इस वीडियो में आपको बताऊंगा रुद्राक्ष का धारण किस प्रकार से करें और किस चीज का परहेज करें। रुद्राक्ष जो है देखिए 1, 2, 3, 4, 17 मुखी तक हमने पिछले वीडियो में चर्चा की, तो जो और नंबर के रुद्राक्ष होते हैं उसको आप बाएं हाथ में पहन सकते हैं, जो इवन नंबर के रुद्राक्ष है उसको आपको दाहिने हाथ में पहन सकते हैं, दाहिना हाथ में आप यहाँ पहन सकते हैं, यहाँ भी बांध सकते हैं, इस प्रकार से बाएं में भी यहाँ पहन सकते हैं या बांध। जैसे मैंने ये देखिए 13 मुखी रुद्राक्ष पहना हुआ है, ये बीपी को भी शांत करता है ये रुद्राक्ष। तो ऑड इवन का सिस्टम होता है, यदि आप राइट हैंडेड हैं तो इवन नंबर के जो होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 मुखी रुद्राक्ष दाहिने हाथ में पहन सकते हैं, और ऑड जो होता है आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 17 तो 15 ये सभी ऑड हैं, ये आपको बाएं हाथ में पहुंच सकते हैं। यदि आप दाएं बाएं के चक्कर से बचना चाहते हैं और कन्फ्यूजन कुछ पैदा हो रहा हो तो आप सीधे तौर पे आप इसको हृदय के पास पहन सकते हैं, क्योंकि हृदय जो है न्यूट्रल चक्र है, एनर्जी पूरी यहीं से चारों तरफ प्रभावित होती है। तो आप सभी रुद्राक्ष को माला बनाकर दिल के पास पहन सकते हैं, फायदा करता है। ज़्यादा फायदा करने के लिए क्या करें, ज़्यादा फायदा करने के लिए 1, 17 मुखी रुद्राक्ष जो है आप गले के पास यहाँ धारण करें, ये जो आपका निचला हिस्सा है इस जगह में धारण करेंगे तो 17 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष आपका हो गया मंगल के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए। इसको यदि आप ज़्यादा शक्ति बनाना चाहते हैं तो कमर के आसपास धारण करें, आपका जो मूलाधार चक्र है नाभि के नीचे आप धागा बांधकर धारण करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 2 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष या 13 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी चंद्रमा का, 7 मुखी आपका शुक्र का, 13 मुखी भी शुक्र के लिए होता है। यदि पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो, गर्भधारण में परेशानी हो रही हो तो इसको आप जो महिलाएं हैं वो इसको पहने, या पुरुष भी हो शुक्राणु की प्रॉब्लम है या सेक्सुअल डिजॉर्डर है, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन है या सेक्सुअल डिसफंक्शन है तो इसको कमर में ठीक नाभि के नीचे आप पहन सकते हैं, ये आपको बहुत फायदा करता है। माला के रूप में पहन रहे हैं तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष मणिपुरा चक्र के ऊपर में, मणिपुरा चक्र नाभि के ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ टच करता हो तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। डायबिटीज में भी फायदा करता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी को कम करता है, बीपी को भी कम करता है। आपको हार्ट का इश्यूज हो, लंग्स का इश्यूज हो, लिवर का इश्यूज हो, इस प्रकार के प्रॉब्लम होने से 15 मुखी रुद्राक्ष यदि छाती के पास धारण करते हैं हृदय के पास में तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। 15 मुखी रुद्राक्ष थ्रोट चक्र में भी यही आपको काम करेगा। 17 मुखी रुद्राक्ष बताया कि यहाँ एकदम पास में होना चाहिए। आप बात करेंगे भाई केतु जो है 8 मुखी रुद्राक्ष क्या करें, कैसे पहने, उस तो सिर के ऊपर में होता है, केतु का स्थान होता है तो सिर के ऊपर तो जटा तो रखता नहीं आजकल, तो पहन सकता नहीं है, तो उसको भी आप शनि के आसपास यहाँ पहन सकते हैं, काम करेगा। कहीं भी डाउट हो तो उसको आप दिल के पास पहन लीजिए, वहीं से सभी एनर्जी चारों तरफ जाएंगी। इस प्रकार से रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको फायदा होगा।